वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव का मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस ट्रायंगल की कड़ी में कुछ आगे बढ़ चुके हैं और ट्रायंगल में आप लोग बीपीटी थ्योरम आप लोगों ने देखा था। बीपीटी का थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया दोनों मेथड से। एक हमारा मेथड था एरिया का यूज़ करके, ट्रायंगल के एरिया का यूज़ करके, और फिर हमने उसी को यूज किया क्या, सिमिलैरिटी का। तो सिमिलैरिटी का यूज़ करके हमने उस थ्योरम को प्रूव किया था और एरिया का यूज़ करके, दो तरीके से उस थ्योरम के प्रूविंग हमने की थी थेल्स थ्योरम की। क्लियर इतनी बात। अगेन यहां पे उसी बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि कोई भी चीज की, मैंने बोला कि एक ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके एंगल सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। क्लियर। इसी का उल्टा बोल दूं मैं कि अगर इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हैं। तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड इक्वल हैं, मतलब कि इधर से उधर तो उधर से इधर। ठीक है, यही है कन्वर्स। कन्वर्स में आपने सबसे पहले जब आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और उस ट्रायंगल में ये डी ई बी सी के पैरेलल है। डी ई बी सी के क्या है, DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन था वहां पर ट्रायंगल में कि एक ट्रायंगल है DE BC के पैरेलल है, तो इन साइड का जो रेशियो होगा AD अपॉन DB, AE अपॉन EC आपस में क्या होंगे, यस इक्वल होंगे, ये आपने वहां पर पढ़ा हुआ था। ठीक, बट यहां पर जस्ट इसका उल्टा है। वहां आपने कहा कि ये साइड्स पैरेलल हैं, अब यहां पे वो साइड्स पैरेलल प्रूफ करना है आपको। ठीक है, आपने वहां पढ़ा था साइड के रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन यहां पे साइड्स के रेशियो इक्वल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, जस्ट उल्टा। बीपीटी थ्योरम ने क्या कहा कि ये साइड्स पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल प्रूफ करो, जस्ट इसका उल्टा क्या कह रहा है कि ये साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो ये साइड पैरेलल प्रूफ करो। पैरेलल था तो रेशियो इक्वल प्रूफ करना था, अब रेशियो इक्वल है साइड को पैरेलल प्रूफ करो, ये चीजें आपको दे रखी है, इसी को बोलते कन्वर्स। तो जाहिर सी बात है इसको हम प्रूव करेंगे, तो इसके भी दो मेथड्स हैं। अभी हम पहले मेथड पे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम सेकंड वीडियो में फिर से एक दूसरा मेथड लेकर के आएंगे जो काफी इजी मेथड है, और ये मेथड आपका आपके बुक्स में हर जगह अमूमन मिलता है। ठीक है, सेकंड मेथड जो हम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो अमूमन आपके बुक्स में नहीं मिलता है, तो हम उस मेथड को भी लेकर आएंगे, काफी इजी मेथड है। यहां कुछ चीजें मैंने पहले लिख रखी ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हैं, जैसा कि यहां पे गिवन था मैंने लिख भी दिया, तो उसके जो साइड है डीई और बीसी वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसा कि मैंने लिख दिया कि एक ट्रायंगल है एबीसी है, एक लाइन है डीई जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, इस ए बी को डी पर, इस ए सी को ई पर, ये सब पॉइंट लिखना पड़ता है, थोड़ा सजावट दिखानी पड़ती है ना, कि जैसे शादी वादी में अगर सजावट नहीं रहता, खाना कितना भी अच्छा बनाओ थोड़ा सजावट होनी चाहिए, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए, तो लोगों को लगता है कि हाँ, तो बाराती नाराज हो जाते हैं कि सुंदर ही नहीं लग रहा है, खाने ही नहीं खाएंगे। तो आपको जो है थोड़ा सा सजावट दिखानी पड़ती है, थोड़ा ये सो है, हमने सो पीस दिखा दिया, और प्रूव क्या करना है, डी पैरेलल टू बी सी। अब देखो अब हम प्रूविंग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रूविंग मैंने लिखा कि इसको हम बोलते हैं ना एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कि जैसे कि आप रूट टू को जब प्रूफ करते थे, आपको याद होगा कि रूट टू को जब हमें इरेशनल प्रूफ करना होता था तो हम क्या बोलते थे कि रूट टू को रैशनल लेके चलते थे, कि सपोज दैट कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक, और प्रूफ करने के चक्कर में करते 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 कि हम रैशनल प्रूफ पर करेंगे और आखिरी में प्रूफ कर नहीं पाते हैं और सॉरी बोल देते हैं, कहते हैं कि नहीं प्रूफ हुआ रैशनल, उसके बाद माफी मांग लेते हैं, कहते हैं रैशनल प्रूफ नहीं हुआ इसीलिए वो इरेशनल है। सेम वैसे यहां पर भी हम डीई और बीसी जो लाइन को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज हम लेके चलते हैं और उसको हम प्रूफ करना चाहते हैं और उसे हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं भाई वही वाला सही था, ये वाला नहीं सही है। ठीक, देखो लिखा हुआ पॉसिबल लेट डी वी नॉट बी पैरेलल टू बीसी, कह रहा कि मान लो हमें देखो डी और बीसी को पैरेलल प्रूफ करना है, और ये क्या कह रहा है कि मान लो डी बीसी आपस में पैरेलल नहीं है, मान लो एक बार को, ठीक है, प्रूफ वही करना है
और पहले हमने मान लिया कि वो प्रूफ वो पैरेलल नहीं है आपस में, तो कह रहा है कि अगर वो पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई एक लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी कोई, ठीक। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल है। तो एक ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, लो मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको एफ मान लिया हमने। हमने कहा ठीक है, अगर डी पैरेलल नहीं है तो हम डी एफ को पैरेलल मान रहे हैं। अब तुम सर ये तो दिख ही नहीं रहा है, पैरेलल कैसे पैरेलल मान रहे हो? मान लो मैथमेटिक्स माना जाता है ना, मान लो कि डी एफ क्या है, बी सी के पैरेलल है, हाथी से तो ड्रॉ किया है, पैरेलल कैसे मानोगे? जब तक मेजर नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगी, तभी पैरेलल कहोगे ना उसे। तो अभी मान लो मैंने बोल दिया, मान लो डी एफ बी सी के पैरेलल हमने मान लिया, तो हमने सपोज कर लिया कि चलो डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, डी एफ बी सी के पैरेलल है, ये हमने सपोज कर लिया। क्यों भाई तुम ऐसे लटकते क्यों जा रहे हो नीचे की तरफ? इधर लगा लूँ, बच्चों को आवाज़ पूरी आनी चाहिए। चलो इसके बाद हमने सपोज कर लिया कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, ये बेचारा पैरेलल नहीं, प्रूफ यही करना है, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि ये पैरेलल है। आ जाओ बाय बीपीटी थ्योरम, लिखो बाय बीपीटी थ्योरम के लिए किट्टी तो होगी बीपीटी थ्योरम। अगर ये बताओ डी एफ बी सी के पैरेलल हो, डी एफ बी सी के पैरेलल है, अभी इस लाइन को भूल जाना, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो आपने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था, तो साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां से ना ईडी अपॉन डीबी, ईडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, अभी हम इस लाइन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये हो सकता है ना बाय बीपीटी। अगर बीपीटी थ्योरम में कह रहा किसी ट्रायंगल में अगर हमने कर दिया डी एफ बी सी के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अभी हम इस ए लाइन को नहीं ले रहे हैं, हमने माना है कि एफ जो पॉइंट है वही जो है डी एफ बी सी पैरेलल है, तो इसीलिए हम ए एफ और एफ सी ले रहे हैं, ई पॉइंट नहीं ले रहे हैं, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये बेचारा पहले से गिवन है, यह आपको क्या है गिवन है, तो इसको भी लिख लो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी, ये आपको पहले से क्या है गिवन है। देखो स्टूडेंट पहले ही मैंने कहा था कन्वर्स है, कन्वर्स है, इसका मतलब इस साइड का रेशियो पहले से इक्वल गिवन है आपको, ठीक है, और ये साइड आपको पैरेलल प्रूफ करना था, तो ये आपको पहले से गिवन है। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो, मान लो इक्वेशन वन है, दिस इज इक्वेशन टू, इन दोनों से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो एकदम क्या मिलेगा इन दोनों से। यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा हमें, आपने ये पढ़ा होगा एक चीज कि अगर एडी अपॉन डीबी के इक्वल ये भी है, एडी अपॉन डीबी के इक्वल ये भी है, दोनों देख रहे हो सेम चीज के इक्वल है, ये भी एडी अपॉन डीबी, ये भी एडी अपॉन डीबी, दोनों सेम चीज के इक्वल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जब भी दो इक्वेशंस हों और उसके कोई भी एक साइड्स आपस में इक्वल हों, ठीक है, तो बाकी दूसरे साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों चीजें भी आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं इसको ए एफ अपॉन एफ सी, बहुत नीचे हो गया, ए ई अपॉन इसी, इतना लिख सकते हैं इसको। चलिए अगर चीज समझ में आ गई आपको तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर यहां तक समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार मैं लिखता हूं फिर आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। मैंने लिखा एडिंग वन ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ वन को एड करना। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एड क्यों कर रहे हैं वन को हम लोग? तो देखो हमें जो प्रूव करना है यहां पर ना, अभी कॉन्सेप्ट ये समझो कि जब भी हम किसी भी इसमें रेशियो में वन ऐड करते हैं वो इसलिए करते हैं, आप देख रहे हो जो भी हमने रेशियो लिखा एडी अपॉन डीबी, एडी डीबी, एई एफसी या एएफ एफसी इस टाइप से लिखा है। अगर मान लो इसी एडी डीबी जो लिखा हुआ है एडी डीबी, इसी को हमें पूरी एक लाइन बनानी हो, एसबी एबी लाना हो, या मुझे इधर की पूरी लाइन एसी लानी हो, ठीक है, ये तो देख लो पार्ट पार्ट लिखा ना, एई ईसी एई ईसी, या वहां पर ए एफ एफ सी ए एफ, फिर ये पूरा एफ सी,
मुझे इसको किसी तरीके से ना एसी बनाना है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, कहीं आपको अगर ऐसा रेशियो चाहिए कि ट्रायंगल का पूरा लॉन्ग साइड हमको चाहिए, पूरा का पूरा साइड चाहिए, तो सबसे सिंपल तरीका है दोनों तरफ वन ऐड कर दोगे ना, तो ऐड करते ही ये जो ए एफ या ई सी है, ये सॉरी ए एफ एफ सी है या ए ई ई सी है या ए डी ए बी है, ए डी और डी बी है, ये सब फुल साइड में चेंज हो जाते हैं। मान लो कि इधर AD अपॉन DB में, AD अपॉन DB में मुझको यहां कहीं AB चाहिए, ठीक है। AD अपॉन DB दो पार्ट में है, मुझको पूरा कुछ AB चाहिए, हमें कुछ वैसा प्रूफ करना है, तो तुरंत समझ जाना कि वहां पे ऐसी वैल्यू अगर हमें पाना है तो हमें वन ऐड करना पड़ता है। सेम ऐसे इधर भी मान लो ये कि AE अपॉन EC है और आप चाहते हो AE अपॉन EC में हमको कोई ऐसा साइड मिल जाए कि हम AC ला पाए पूरा का पूरा, तो उसमें आप वन ऐड कर दो। वन ऐड करने का मतलब ही यही होता है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां भी कई जगहों पर हम ऐसी चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, और आपके थेल्स थ्योरम में सिंपल सी चीज भी होती है कि अगर ये AD अपॉन DB, हम बोल रहे हैं ना AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इसी को लिखने का तरीका और भी होता है, हम ऐसे लिखते हैं कि AD अपॉन AB, हमने पहले इतना साइड लिया फिर पूरा साइड ले लिया, सेम ऐसे इधर भी AE अपॉन AC, एक बार पूरा छोटा साइड लिया, एक बार पूरा साइड ले लिया। ये जो हम ले रहे हैं पूरा साइड ना, ये दोनों तरफ वन ऐड करने से ही आता है, तो चलिए ऐड करके देखते हैं। AF अपॉन FC, तो हमने लिखा AF अपॉन FC प्लस वन, इधर हमने वन ऐड कर दिया, ठीक है। और इधर भी वही करेंगे, इक्वल टू इधर क्या है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इसमें भी वन ऐड करेंगे, देखो इसके नीचे वन मान सकते हो ना, इसके नीचे भी वन मान सकते हो। FC और वन में LCM लेंगे तो क्या लोगे, FC LCM हो जाएगा, ठीक है। सेम नंबर जब भी नीचे होता था क्या करते थे, ऊपर की वैल्यू सेम उतार देते थे, FC का टेबल पढ़ने आता है, FC बन जा FC, टेबल नहीं जानते हो ना, तो ऐसे याद रखो कि FC FC दोनों जगह लिखा हुआ है। जब सेम नंबर्स नीचे होते थे LCM के थ्रू, तो हम ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख देते थे, तो हमने यहाँ पे ऊपर AF लिख दिया। वन के टेबल में FC कितनी बार में आएगा, तो हम बोलते हैं ना अगर वन होता था इसका इसी में मल्टीप्लाई करके वापस से ऊपर चला जाता है, और FC में अगर वन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, FC ही आएगा। जैसे मैं बोलूं x में वन का मल्टीप्लाई करो क्या लिखते, तो वन एक्स ना, तो वन एक्स या x दोनों की बात एक ही है, तो मतलब ये FC इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, AF प्लस FC इधर हो गया। सेम वैसे इधर भी, इधर क्या LCM हो जाएगा, दोनों में LCM हो गया, EC 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 दोनों सेम है, कैंसिल वन बचा, तो वन का मल्टीप्लाई AE में तो AE आ गया, प्लस वन से EC का मल्टीप्लाई करोगे तो EC ही आएगा, और EC का ऊपर वन में मल्टीप्लाई तो भी EC ही रहेगा, ये क्लियर। आप देखो जरा AF प्लस FC, आ जाओ यहां पर जरा AF प्लस FC, AF और FC, AF और FC ये दोनों को ऐड कर रहे हो, देखो कौन सी लाइन बन जा रही है, पूरी ये बड़ी लाइन बन जा रही है ना AC, AF और FC को ऐड करोगे तो ये बड़ी लाइन बन गई AC, तो हम AF और FC को लिख सकते हैं AC, और नीचे FC है ये तो लिख दिया FC, इक्वल टू उधर देखो AE प्लस EC, AE ये बड़ी लाइन, AE प्लस EC, AE प्लस EC, फिर ये पूरी लाइन बन गई AC, ठीक है। तो AE और AC को भी लिख सकते हैं AC अपॉन, और बेचारा नीचे जो है वो तो ऐसे रहेगा EC। अब देखिए ऊपर की सेम वैल्यू है AC AC, इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं, अगर कट भी नहीं करना चाहते हो चलो मत कट करो, हम ऐसे कर सकते हैं EC को इधर भेजें और इसको इधर भेजें, क्रॉस मल्टीप्लाई EC इधर क्या लिख सकते हैं ना, AC इंटू EC मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू FC को इधर भेज दिया तो AC इंटू FC कर दिया सीधे सीधे। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, इस AC को इधर भेज दूं, चलो भेज देते हैं, EC इधर छोड़ देता हूं मैं, EC इज इक्वल टू AC इंटू FC अपॉन, देखो AC के ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड होगा और AC से AC कैंसल, तो क्या बचा, EC इज इक्वल टू FC, ये बचा आपके पास। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, EC FC के इक्वल हो गया, कहाँ है EC, ये जो EC लाइन है वो FC के इक्वल है,
ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ देखो, ये एफ का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, ई का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, ये दिख रहा है साफ साफ, इसको हटा देता हूँ मैं अभी, कि ई सी बस इतना सा बड़ा है और एफ सी यहाँ से आ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं? देखने से लग रहा है दोनों आपस में कैसे इक्वल होंगे। अगर मैं बोलूं दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि हम देखो यहां पे प्रूव किया हमने कि ईसी एफसी के इक्वल हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ईसी एफसी के इक्वल तभी हो सकता है, ईसी और एफसी आपस में दोनों लाइन इक्वल तभी हो सकती हैं जब पॉइंट ई और पॉइंट एफ दोनों एक दूसरे को कंसाइड करते हो, मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह हो। ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट वहां पर है, तो कैसे इक्वल हो सकता है भाई? नहीं इक्वल हो सकता ना। मैं बोलूं कि एक लाइन में यहां से ड्रॉ कर रहा हूं यहां तक, एक लाइन में यहां से ड्रॉ कर रहा हूं यहां तक, तो क्या इक्वल हो जाएंगी? नहीं। ये इक्वल कब होंगी? जब ये दोनों पॉइंट एक जगह से स्टार्ट हो। इसका मतलब कि यहां पे जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ई सी एफ सी के इक्वल है, वी कैन से दैट कि एफ एंड ई पॉइंट्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर। तो हमने यहां पर लिख दिया कि ये पॉसिबल तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। और अगर ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर गए, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गए, भले तुम्हें यहां दूर दूर दिख रहा है ना, हमने यहां प्रूव कर दिया दोनों पॉइंट एक ही जगह हैं, एक ही जगह हैं। और अगर एक ही जगह हैं दोनों पॉइंट, तो अगर हमने कह दिया कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, हमने प्रूव कर दिया है, हमने ये कह दिया कि डी एफ देयरफॉर डी एफ पैरेलल टू बी सी, और डी एफ अगर बी सी के पैरेलल हुआ, तो हमने कहा कि अगर ये डी एफ लाइन BC के पैरेलल है, DF लाइन BC के पैरेलल है, तो हमने कह दिया है कि अगर F और E पॉइंट आपस में क्या है, कोइंसाइड है, अगर ये कोइंसाइड है, मतलब ये F पॉइंट इसी D से तो बना है F पॉइंट, और मैं कह रहा हूं अगर इसी पॉइंट्स को हम E के कोइंसाइड कह रहे हैं, तो अगर DF BC के पैरेलल हुआ, तो DE भी BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DE is also parallel to BC, hence proof. ये हमने प्रूव कर दिया। इतनी बातें आपको क्लियर हुई? यहां से चीजों को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने कहा कि EC और FC आपस में इक्वल हो गए हैं, ये दोनों लाइंस क्या बोलते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हो गई हैं, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल तभी होंगी जब ये पॉइंट दोनों कोइंसाइड करता हो, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे। और अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह हैं, और हमने ये प्रूव कर दिया कि DF BC के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, हम यहां लिख सकते हैं हैंस डी ई, क्योंकि मैंने बोला ना एफ और ई पॉइंट कोइंसाइड कर गए, तो हम एफ की जगह ई भी लिख सकते हैं, तो हम लिखा एफ की जगह ई लिख दिया, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमने कर दिया क्या प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि डी ई बी सी का क्या है, पैरेलल है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसी थ्योरम को कन्वर्स और बीपीटी को सिमिलैरिटी के बेस पर। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटी आगे आती होगी, तो हम उसको और इजिली प्रूव कर पाएंगे, और सिमिलैरिटी के बेस पर चाहे वो थेल्स थ्योरम हो चाहे कन्वर्स ऑफ थेल्स हो, सिमिलैरिटी के बेस पर बच्चों को और भी इजी लगता है। तो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा साथ में मेरे। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू टू ऑल, टेक केयर।